गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमशेद सिंह कपूर लंगर ऑन व्हील में आपका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह अपने स्कूटी पेप पर बैठकर लंगर ऑन व्हील में एक जगह से दूसरी जगह लंगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। मुझे एक ब्रिज के नीचे 35 साल की उम्र का कोई नौजवान जो बेचारा निराश हताश सोया रहता था, मैं उसको उठा के लंगर खिलाता था। दो प्लेट लंगर खाते हुए थोड़ी सी उनसे बातें भी होती थी। कृष्णा यादव ये उस नौजवान का नाम था। एमपी के सिवनी गांव से वो आया हुआ था और 35 साल की उम्र में भी जीने की आशा नहीं थी। कचरा बिनते हुए जो पैसे उसको थोड़े बहुत मिलते होंगे उसे नाश्ता वाश्ता कर लेता था। उसकी आंखों में बहुत निराशा हताशा थी। कृष्णा जो है वो अपने घर से परेशान होके, पांच भाइयों में सबसे छोटा था, तो जो चार भाई थे बड़े भाई उसको डिक्टेट करते थे, मारते पीटते थे। किसान पिता शायद कुछ नहीं बोलते होंगे, माँ बाप खामोश रहते होंगे। एक दिन ये बेचारा घर से भाग गया और 17 साल की उम्र में घर से भागा। फिर शहर में आके इसने किसी तरीके से ब्रिज के नीचे सोकर कचरा बिनते हुए लोगों की गालियां गलौज खाके अपनी जिंदगी की शुरुआत की। अकेला बच्चा, हर तरीके से टूटा हुआ सहमा हुआ जीने लगा। मन में कुछ कोशिश भी रही होगी कि किसी तरीके से अपने आप को स्टैंड कर लूं, पर बेरहम किस्मत ने शायद उस पर तरस नहीं खाया और उसको मजबूरी में जीने के लिए दयनीय हालत में छोड़ दिया। कोरोना के दो लहर के दौरान भी वो जीता रहा और आज भी ब्रिज के नीचे में वो किसी तरीके से अपनी जिंदगी को ढकेल रहा है। 35 साल की उम्र में उसकी जीने की आशा खत्म हो चुकी है। ऐसे कई लोगों को मैं देखता हूं जो अपने बड़े भाई बहनों के कारण, माँ बाप के कारण तंग आकर घर छोड़ देते हैं और इस तरह के शहरों में ब्रिज के नीचे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते रहते हैं या जवानी में भी किसी तरीके से अपने आप को धक्का देके चलाते रहते हैं। बहुत कम किस्मत इन पर मेहरबान होती है। कोई इनको सरपरस्त मिल जाता है, किसी की लॉटरी भी खुल जाती है, पर अधिकतर लोग 1,00,000 में से 90,000 के आसपास लोग इसी तरीके की दयनीय अवस्था में जीते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे घर के जो मेंबर है उसके साथ में तालमेल मिला के चले,
उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करे, उनको हर हिसाब से संभाल के रखे। नहीं तो शायद हमारे ही किसी घर में कोई कृष्णा यादव की तरह चरित्र ना निकले और जिसके लिए हमको जीवन भर पछताना पड़े। कृष्णा मेरे हाथ का रोज लंगर लेता है, पर उसमें जीने की आशा नहीं है। मैं उसको नींद से उठा के खाना खिला देता हूँ, पर उसकी आंखों में कोई आशा नहीं है। उसकी आंखों में दर्द है, किसी तरीके से जीवन को ढकेल के चलाने का एक मजबूरी का जज्बा है। कृष्णा जैसा कोई और ना हो, हमने यही कोशिश अपने इर्द गिर्द में व्यवहार करते हुए करनी चाहिए। धन्यवाद।